नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से, शीशे की विवाद के लेकर पड़ोसी ने किया मारपीट का लहूलुहान। खबर विस्तार पूर्वक से, विंध्याचल थाना अंतर्गत ग्राम बबुरा कला में शीशे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कुलदीप दुबे 30 वर्षीय, शीतला प्रसाद दुबे उम्र करीब 55 वर्षीय, पूजा देवी उम्र 27 वर्षीय, प्रमिला देवी उम्र करीब 52 वर्षीय को गंभीर चोटें आई। आनन फान में उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से मंडली अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल पक्ष ने बताया कि शीशा बेचने फेरी वाला आया था, फेरी वाले का शीशा गायब हो गया तो पड़ोसी इनके ऊपर आरोप लगाते हुए मारने पीटने लगे। गंभीर रूप से घायल कुलदीप दुबे ने बताया कि ईंट पत्थर और लाठी डंडे से शिव पांडे, कक्कू पांडे, टक्कू पांडे, निर्मला पांडे, आशीष पांडे, आनंद पांडे ने मारपीट कर घायल किया है। सुनिए पीड़ित क्या बता रहे हैं। हमारा नाम कुलदीप दुबे है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम बबुरा के। अच्छा, ये बताएं कि आपको चोट कैसी लगी? और हमारे भाई को लेकर झगड़ा हुआ, कोई मतलब आ रहा था, शीशा बेच रहा था। शीशा बेच रहा था। कैसा शीशा? बड़ा बड़ा आईना। अच्छा, हाँ। तो वो बोला कि चोरी हो गया, यही चुराया है। अच्छा, तो हम हमारे भाई बोला नहीं चुराया। उन लोग जबरदस्ती पछवाड़े करने लगे। अच्छा, इसी को लेकर के मारपीट हुआ। अच्छा, तो कौन थे ये लोग? ये लोग पड़ोस वाले थे। अच्छा, तो इसकी क्या आप लोग थाने पे परिवार के लोग गए हैं? अभी नहीं गए हैं, हम लोग बहुत बहुत मतलब पीड़ित में थे, इसलिए नहीं जा पाए। अच्छा, थाना कौन सा है? विंध्याचल है। अच्छा, क्या लोग घायल हैं आप लोग? चार लोग। यहाँ दो लोग आए हैं रेफर, और दो लोग विंध्याचल में भी गए हैं, दूसरा एम्बुलेंस से। अच्छा, यहाँ मिर्जापुर अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है। हाँ।